हेलो हेलो, तो मेरे को कुछ अलग लग रहा होगा। अभी नया माइक है जो मैंने अमेजोन ही हाँ दराज से ऑर्डर किया है। हेलो, और अगर ये नहीं चल रहा मुझे बताना कमेंट्स में, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता ये सही है कि नहीं। मैंने इसको फ़ोन से कनेक्ट तो किया, मेरे को खुद नहीं पता ये सही है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज माई टूडेज, आज मतलब ट्यूजडे है। तुम्हें पता होगा मैं स्कूल का बच्चा हूँ, मतलब मेरी एज और मेरी शक्ल देख के लगता है मैं स्कूल का बच्चा हूँ, और मैं हूँ। तो बेसिकली ये एक क्रेजी स्टोरी है, मतलब जो आज मेरे साथ हुई है, जो मतलब तुम खुद उसको फील करोगे अगर तुम 4 या 5 में हो। तुम्हें पता है इसी इसी टाइम पे तुम्हारे सबसे पंगे होते हैं सबसे। अबे 1 क्लास का बच्चा हो, अबे आगे ऐसे चोर दिखाने लग जाते हैं। तो स्टार्ट कर दिया माय क्रेजी स्कूल स्टोरी। तो इस स्टोरी में है टोटल मेन 4 लोग, मैं, मेरा दोस्त जैन, मेरा दोस्त सिमियन और मेरा दोस्त अली। तो ये 4 लोग हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे 3rd पीरियड से, जो कि हमारा 8 का पीरियड था। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे मतलब हमारे स्कूल में 8 पीरियड का टाइम टेबल होता है। हर दिन में एक 8 पीरियड होते हैं, लेकिन फ्राइडे को सिर्फ 5 पीरियड होते हैं। लेकिन जो बेसिक 4 दिन का शेड्यूल है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन 4 दिनों का शेड्यूल है, वो है कि 8 पीरियड्स का। तो क्या होता है ये है, तो 1 से लेकर 3rd पीरियड तक क्लासेस चलती है। उसके बाद ब्रेक, उसके बाद लंच टाइम होता है, फिर उसके बाद बाकी के 4 पीरियड्स होते हैं, मतलब बाकी के 5 पीरियड्स। नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं, हाँ, बाकी के 5 पीरियड्स क्या बोलते हैं, ब्रेक के बाद, बाकी के 5 पीरियड्स ब्रेक के बाद होते हैं, और पहले के 3 पीरियड्स ब्रेक से पहले होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है, मतलब जब हमारा 3rd पीरियड चल रहा था 8 का। एंड मैं सच बताऊँ, मेरी 8 की टीचर कभी भी इतना गुस्सा नहीं करती जितना उन्होंने आज किया था। वो बच्चों को बेसिकली चांटे लगाई जा रही है, पता नहीं क्यों। पीछे से अली मुझे बोलता है, भाई बंक पे चलेगा? मैंने बोला, तू पागल हो गया है क्या? बंक पे जाना तो दूर, मैं यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता। मिस मुझे चांटे लगा देंगे, क्लास से बाहर तो बाहर तो देख सकते नहीं है। कदम रखना तो बाहर दूर की बात है, तू यहाँ पे बंक पे जाने के लिए बोल रहा है। पीछे से जैन बोलता है, यार चलते हैं ना बंक पे, यार ये क्या घटिया सी क्लास अटेंड कर रहे हैं। मैंने बोला, तुम्हें करना है तो करो, मैं तो नहीं बंक कर रहा, क्योंकि अब डर तो लगता है, टीचर्स का डर तो लगता है। बैक बेंचर्स भी कभी कभी डरे होंगे यार टीचर्स से। अब पे यार मैं खुद एक बैक बेंचर हूँ, मैं खुद डरता हूँ टीचर्स से। टीचर वैसे मुझे सारे काम बोलती है। मैं क्या बोलते हैं, अच्छी लड़ाई में भी अच्छा हूँ, लेकिन टीचर को इस बात का बिल्कुल पता नहीं है। मेरे ग्रेड भी अच्छे आते हैं और टीचर मुझे सारे काम बोलती है। तो एक टाइप से आई एम परफेक्ट, यू कैन कॉल मी अ जीनियस। खैर छोड़ो, आज स्टोरी पे आते हैं। उसके बाद मेरे को पीछे से एक सिंपल आवाज आई जिसने मेरा माइंड चेंज कर दिया, और वो थी अली की। अली बोलता है, डर गया बच्चा, डर गया। मेरे को गुस्सा आया, मैं पीछे मुड़ा, मैंने उसकी गुत्थी पे रख के लगा दी। और टीचर वॉज दैट, एंड मैं अली जैन, तीनों स्टंड, हम तीनों स्टंड है कि अभी क्या हुआ है। और पीछे से, अबे यार भाई मुझे टीचर के चमचे बिल्कुल पसंद नहीं है। अबे क्या है भाई, ये ऐसा इतने गद्दार होते हैं। पहले बोलते हैं, अच्छा मैं भी क्लास मॉनिटर हूँ, लेकिन मेरे से पहले जो मॉनिटर था ना, उसका नाम था, वो अहमद था, अहमद। तो इतना गद्दार भाई, इतना गद्दार, मैं क्या बताऊँ। अबे उसको अबे मतलब एक बार की बात बताता हूँ मैं तुम्हें। हुआ ये था, हमारा फर्स्ट पीरियड चल रहा था। तुम्हें अगर तुम सेंट पॉल्स में, तो तुम्हें पता है फर्स्ट पीरियड में टीचर अगर थोड़ा लेट हो जाती है तो मॉनिटर्स खड़े होकर मतलब बच्चों को चुप करवाते हैं, और बच्चे वैसे चुप होने वाले होते नहीं हैं, बिकॉज स्टीरियोटिपिकल थिंग्स। तो इसी वजह से अब अहमद ने बोला, तुम लोग बात कर लो, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम लोग बात कर लो। अबे इतना गद्दार, हमने जैसे बात, टीचर के क्लास में एंटर होते ही वो
भाई चापलूस कहीं का, एक नंबर का चापलूस मिस के पास चला गया। मिस दिस थ्री पीपल वर टॉकिंग, अबे क्या है दिस थ्री पीपल वर टॉकिंग। उसके बाद फिर एक और इंसिडेंट आया, हम सब उससे चिढ़े हुए थे। टोटल 15 कोई बंदे थे, उनको उसने बहुत परेशान करके रखा हुआ था, जिनमें एक मैं भी था। हमें आया गुस्सा। ब्रेक में सब बच्चे एक तो मतलब तुम्हारे भी स्कूल में होते हैं ना कि क्या बोलते हैं, बड़ा सा ग्राउंड होता है जिसमें सारे बच्चे मतलब ब्रेक के लिए जाते हैं खेलते हैं, तो वही ग्राउंड है। और हमारे बेसिकली वॉशरूम के पास लाला बैठे होते हैं ऊपर। तुम्हारे वॉशरूम मतलब अगर आप दूसरे स्कूल में तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन हमारे स्कूल में लाला बैठे होते हैं, और अगर आप स्कूल में होता तो तुम्हें पता है वो ला जाने नहीं देते। ये बड़ा प्रॉब्लम है यार लाला का। अच्छा उसके बाद ना हमने, लेकिन जैसे हम लोग उसको पकड़ के, उसका एक बंदे ने कॉलर पकड़ा हुआ है पीछे से उसकी गुड्डी पकड़ी हुई है, चार चमाटे आगे से आ रही है भाई, सब ने उसको जो घेरा है ना भाई, उसको वॉशरूम में लेके गए हैं लिटा के भाई, जो हमने कूटा है ना भाई उसको। उसके बाद उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकली थी, हम 15 बंदों के बारे में, पूरी क्लास के बारे में सब कुछ बोल रहा था, हम 15 बंदों के बारे में उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती थी। हमने उसको इतना गंदा पीटा ना, सही बता रहा हूं मैं। एंड आई रिग्रेट दैट। अब तुम लोग सोच रहे हो रिग्रेट क्यों करना जब वो तेरी कंप्लेन करेगा ही नहीं। तो चापलूस है, तुम्हें पता है चापलूस बच्चों का यही होता है, उसने कर दी। खैर स्टोरी को भी कभी और मतलब कंटिन्यू करूंगा, अभी हम लोग जाते हैं हमारी उस स्टोरी पर। और उसके बाद हम लोग स्टंड, हम तीनों स्टंड है, और अहमद मेरी नजर में ना गैंग को चमाट लगानी। मिस को गुस्सा आया, मिस ने हम तीनों को बोला इधर आओ मेरे डेस्क पे खड़े होकर मैं काम करने लगता हूँ। और मेरा काम तो कंप्लीट था, मैंने बोल दिया टीचर को मिस मेरा काम कंप्लीट है, मेरे को आप मान खड़ा करने। तो मिस ने बोला अच्छा ठीक है तुम बैठे रहो, जैन अली तुम दोनों आ जाओ। और मेरे जैन, और वैसे मैं तुम्हें चीज चाहता हूँ, जैन और अली ये दोनों मतलब इन दोनों का ना टीचर से पंगा है, लिटरल पंगा है, सही बता रहा हूँ मैं, उसका पंगा है टीचर से। अबे अगर मतलब हमारी उर्दू टीचर मिस किरण का इन दोनों से बिल्कुल ही बनती। मिस तो कहती है अब मिस का अगर बस चला मिस इनका गला काट दे, सही बता रहा हूँ मैं, मिस इनका गला काट देंगे अगर मिस का बस चला तो, वो तो परमिशन नहीं या नहीं तो सच में उनका गला कटा हुआ होता। और भाई इनका काम तो कभी कंप्लीट ही नहीं होता, सही बता रहा हूँ। जब काम चेक करवाने की लास्ट डेट होती है ना, तब ये लोग एक चैप्टर कर रहे होते हैं, इनके चैप्टर भी नहीं कंप्लीट होते। तो सोच रहे हो ऐसे कैसे दोस्त हैं। अच्छा तो टीचर ने इन दोनों को बुलाया, सबसे पहले दोनों के गुद्दी पे एक एक चमाट लगाई, उनको बोला क्या कर रही थी। और टीचर जैसे ही चमाट लगाने लगे थे बेल बज गई, एंड बाकी सारे बच्चे जो भागे हैं ना भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है बस बेल का ऐसे वेट कर रहे थे तो मैराथन में खड़े हुए। और फिर जो उनकी स्पीड है ना भाई, अभी मैं खड़ा हुआ मेरे को धक्के धक्के मार के भाग रहे हैं, ये मैं ऐसे खड़ा हुआ मेरे को धक्के मार के भाग रहे हैं भाई क्या। अच्छा उसके बाद जैन ने जो किया है ना, आई वॉज शॉक्ड। मैं जा रहा था, मैंने पीछे मुड़ के देखा, जैन ने मिस को ऐसे क्या मतलब होता है ना कि वो गुस्से में ऐसे फेस बन जाते हैं, वो टीचर को लगा वो उस मतलब टीचर को बोल रहा है वो, और उसके बाद जैन तो गया। लेकिन एक स्टोरी हम चारों की है, तो हुआ ये, हम लोग जैसे नीचे गए अली ने बोला सिमेन को कि आजा हम लोग हाई हाई खेलते हैं। तो मतलब हाई हाई बहुत पॉपुलर गेम है, अगर तुम सर पॉज में तो ये लिटरल बहुत पॉपुलर गेम है। तो इसमें होता ये दो टीम होती है, या तो वो सोलो होते हैं या तो वो डुओस होते हैं या तो वो मतलब पूरे स्क्वाड्स होती हैं। तो उसमें होता ये एक बॉल होती है, आपको जितनी आपके पास फोर्स है ना आपको उतनी तेज मतलब उतनी ऊंची वो बॉल फेंकनी होती है। तो ऐसा
हमने स्टार्ट कर दिया। मैं और जैन थे और अली और सिमियन थे, उन दोनों की टीम। अब क्या हुआ, हम लोग खेल रहे हैं तो सेकंड नहीं लगे जैन को अली चिल्ला गया, अबे वो देख। हम लोग पीछे मुड़े, हमने देखा हमारी आर्ट की टीचर इतना लंबा मेटल का यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना लंबा मेटल का रूलर लेके जैन की तरफ आ रही है। एंड देन जैन भी लाइक सही बता रहा हूँ, उस टाइम पे मेरे रोंगटे खड़े हुए थे कि ये क्या है। पीछे से वहाँ हम जो भागे हैं ना तेज, बेचारा जैन वहाँ पे स्टंड था। मैं तो टीचर ने वो रूलर लाई मारने लगी, पीछे से सर आ गए, सर बोल रहे क्या हुआ क्या हो रहा है यार, रुको। हाँ तो मिस ने, तो अब सर ने बोला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पीछे से मैं आगे बोलता हूँ सर ये क्या बोलते हैं मिस मार रही है जैन को। तो सर ने पूछा क्यों मार रही हैं आप इनको, तो मिस ने बताया कि बस ये ऐसे मतलब इन्होंने ऐसे मुझे किया है। तो सर फिर जैन को लेके गए। उसके बाद मैंने सिमियन को जाके बोला कि यार ये वैसे अभी मुसीबत में पड़ेगा ये जैन। तो पीछे से सिमियन बोल, तो पीछे से अली बोलते हैं अबे नहीं मैंने क्या बोलते हैं वो जैन को बोला था कि तू एक काम कर, वो हुसैन का ना क्या बोलते हैं मुंह पे ना ऐसा वाला मतलब वो मुंह बना। एंड उसको सुन के हम दोनों, मैं और सिमियन, हम दोनों सोच रहे हैं व्हाट डिड वी जस्ट डू। और तब हमें याद आया कि जब टीचर ने जैन और अली को भेजा था तब मिस के साइड पे हुसैन खड़ा था। पागल ने उसको कर दिया भाई, और हुसैन को पता भी नहीं चला, हुसैन दूसरी तरफ देख रहा था, वो सीधा टीचर को दिखा। मतलब सारी गलती थी अली की, हमें उसको फिर जो गुद्दी पे लगाई है ना भाई, इतना चटका है ना हमने, उसके बाद जितनी ब्रेक बची थी ना हमने उसमें उसको चटका है लिटरल। हमने ब्रेक में नहीं खाई, मेरी जेब में रोल पड़ा हुआ था वो भी नहीं मैंने खाया, अबे हमने जो चटका है ना भाई उसको, सही बता रहा हूँ इतना गंदा मारा है ना हमने उसको। उसके बाद बेचारा कह रहा है भाई माफ कर दो, माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अब हमने बोला अब क्या नहीं करेगा, वो मुसीबत में पड़ गए, प्रिंसिपल के पास उसको लेकर सस्पेंड कर देंगे, तू लेगा उसकी जिम्मेदारी। वहां से बोल रहे यार भाई माफ कर दे यार माफ कर दे, हम लोग बोल रहे हैं अबे पागल है क्या तू। उसके बाद फिर ब्रेक खत्म हुई और हम लोग ऐसी पीरियड हमारा हुआ तो हम लोग आ गए। और फिर टीचर जब पढ़ा रही थी उसके बीच में सर आए, सर ने बोला जाओ बेटा बैठ जाओ। यहाँ पर हम लोग सब सोच रहे हैं कि जैन के साथ हुआ क्या है, और वो चुपचाप एकदम साइलेंट कुछ नहीं बोल रहा एकदम, इतना ऐसा लग रहा था भाई, सही बता रहा हूँ ऐसा लग रहा था कि वो हमारी क्लास का क्वाइट किड हो, जो कि हमारी क्लास में कोई क्वाइट किड है नहीं, लेकिन लग रहा था वो। अब उसके अब वो कोई रिएक्शन में जरा हिल भी नहीं रहा, ऐसा स्टैचू नीचे देख रहा बिल्कुल स्टैचू हुआ हुआ है। पीछे से अली ने उसको टपली मारी, फिर से आगे थोड़ा शांत हुआ, हमने देखा तो रो रहा है बंदा, रो रहा है। मैंने बोला क्या हुआ जैन, जैन बोलता है मेरे को वार्निंग लेटर मिल गया। हमने बोला वार्निंग लेटर, रुको गाइस 2 मिनट, नहीं हो रही। तो अच्छा उसके बाद नहीं खत्म हो गई। तो बारिश हो गई, मैं घबरा गया। अरे यार नहीं ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई। उसके बाद हुआ ये, हमने जैसे ये सुना मैंने बोला, वो अली था ना जिसने तुझे बोला था
जैन ने बोला हाँ वो अली था। उसके बाद छुट्टी में उसने फोर के कॉरिडोर में, चलो करो को देता हूँ। उसके बाद छुट्टी में जैन ने अली को फोर क्लास के कॉरिडोर में वो जकड़ा है ना भाई, उसको रगड़ दिया, सही बता रहा हूँ, उसको जमीन पर रगड़ रहा था वो। They doesn't give a shit about anyone. वहाँ पे अली का पापा नीचे वेट कर रहे हैं, यहाँ पे जैन अली को रगड़ रहे हैं। जैन ने अली को मॉप बना दिया है, अबे वो इतना गंदा पीटा ना उसने भाई मुक्को पे मुक्के, सच बता रहा हूँ भाई। अली भी सोच रहा होगा मैंने क्यों बोला। और इतने गंदी पिटाई को हम लोग ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं, और सुनिए असली कल्प्रेट तो हम है। अबे दो बंदों के वहां पे लड़ाई चल रही है, ऐसा नहीं कि नीचे चले, अबे हम लोग उनकी फाइट देख रहे हैं पीछे से। वहां पे ना फिर वहां पे क्या बोलते हैं, पीछे से वो आया प्यून ने बोला अबे छोड़ा एक दूसरे को, और पीछे तीन चार और ठड्डे चल रहे हैं। मैं तुम्हें एक चीज बताऊँ, छुट्टी में ना अगर कोई जूनियर्स की वो होती है ना, जूनियर क्लासेस का कॉरिडोर, अगर तुम उनसे सीनियर हो मतलब वो जूनियर क्लास का कॉरिडोर है, वो तुम्हारे लिए फड्डा ग्राउंड है, सही बता रहा हूँ। तुम फड्डा ग्राउंड में नहीं जाकर करोगे, तुम फड्डा वहां पे करोगे, सही बता रहा हूँ। चार पांच और फड्डे चल रहे थे पीछे, लेकिन प्यून सीधा आके अली और जैन को छुड़ा रहा है। पीछे तीन चार अबे वो गालियां दे रहे हैं, जैन ने तो फिर भी अली को सिर्फ मॉप बनाया था, मतलब पीछे गालियां दे रहे हैं। और प्यून भी देख, हाँ चलो चलो तुम दोनों आ जाओ। वो काम कैसे बाहर चला गया वो देखे। हाँ भाई पापा को बुला जल्दी। हाँ उसके बाद जैसे ही प्यून आया, हम दोनों नीचे तो भागे। ओ भाई हम जो भाग गया ना, मैं पीछे ऐसे में तो भाग गया, मैं पीछे थोड़ा सा ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे पीक कर ऐसे देख रहा हूँ कि हाँ क्या चल रहा है। फिर मैंने नीचे आके मैंने सिमिन को चटके लगाए, पीछे से लियाम आ गया भाई, सब आके उसको चटके लगा रहे, पता नहीं क्यों। दोस्तों का ये मजे करने, किसी के कोई मजे लेने के लिए देखे ना, दोस्त के मजे ले लो। मैं उसको फालतू में चटके लगाना शुरू कर दिए, सब ने उसको चटके लगाए। उसके बाद खैर ही वॉज सेव्ड बाय लियाम। तो यही थी मेरी स्कूल, एक मतलब मेरी स्कूल स्टोरी। तुम लोग कमेंट करना अगर तुम्हें ऐसी और स्टोरीज चाहिए, क्योंकि आई वुड लव टू मेक दैट। मेरे पास और भी बहुत सारी स्टोरीज पड़ी हुई हैं, लाइक क्रेजी एक्सपीरियंस विद माय फ्रेंड्स, उसके बाद जब मैंने होमवर्क नहीं किया था, और इतनी सारी स्टोरीज मेरे पास पड़ी हुई है ना, स्कूल की भी हैं और दूसरे टाइम्स की भी, तो मतलब बहुत स्टोरीज हैं। तुम लोग बताना अगर तुम्हें स्टोरीज चाहिए। तो खैर उसके लिए मैं तुम लोग से मिलूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सलामानी और स्टे होम स्टे सेफ। मेरी सलामानी दोस्तों से पंगा मत लेना।